देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, मुझे इज्जत मिली, और धन्य वो माँ जिन्होंने ओम प्रकाश मिश्रा जी का जन्म दिया और इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रखा। थैंक यू, थैंक यू। एक चीज मैं बोलूंगा, मुझे कई पार्टी से ऑफर है, मैं झूठ नहीं कहता हूं। सर ने जो कहा वो प्रतिशत 100 नहीं 1000% सत्य है, क्योंकि इस नदीम को बनाने में सिर्फ श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी का, ये लोगों को लगता होगा कि नहीं ये कह रहे नहीं। आप YouTube खोल के अभी ही चेक कर सकते हो, जैसे कि यू के व्यूज के मामले में देख लेंगे। मैंने जिस जगह भी एलिगेशन मारा है, नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड एक ऐसी संस्था, जहां भी मैंने एलिगेशन मारा है तो वहां पे वो श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी जिनके बताए हुए मार्गदर्शन पे ही चलो, उनसे हटके नहीं। दूसरी बात, नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड, इसको लोग क्या समझते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसे एक पावर समझता हूं। ये एक पावर है, न्यूज फर्स्ट नेटवर्क एक पावर है। मेरे पास लाखों की संख्या में यूथ पावर है, लड़कों की पावर है, लेकिन मैं बराबर उसको कभी इस्तेमाल नहीं करता। दूसरी क्लास पढ़ाओ, ज्यादा नहीं पढ़ो, सिर्फ 2 क्लास पढ़ो, उससे ज्यादा मेरे को पढ़ने नहीं आता है। जब से सर से मिलाओ, जो है मैं साफ बता रहा हूं, सर से मिलाओ, तुम मेरे पावर के साथ जो कलम की ताकत आई ना, YouTube खोल के देखना, पूरा महाराष्ट्र ने पूरा इंडिया हिला दिया। योगी आदित्यनाथ पर भी एप्लीकेशन मारा हो तो कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों पे भी मारा। क्या बात सर, आप सच्चाई सच्चाई बरोबर है, सच्चाई। MNS के राज ठाकरे पीछे क्यों हटा, अविनाश को घुसने नहीं दिया, अविनाश को घुसने क्यों नहीं दिया, खाली एक ही बात राज ठाकरे पूछता है, ये ओम प्रकाश मिश्रा है। मैं झूठ नहीं कह रहा, बोले ये ओम प्रकाश मिश्रा है। CP DCP सब कहते हैं कि नदीम मुस्लिम सपोर्टर है, लेकिन इसके पीछे ये ओम प्रकाश मिश्रा है। तो फिर बाद में एक दिन DCP साहब फोन करके मुझे बोलता है कि नदीम भाई, मैं बोला सर आप नदीम भाई बोल रहे, बोले नहीं नदीम भाई, मैंने आपके सारे इंटरव्यूज में, लेकिन आपके पीछे एक ब्राह्मण एक हिंदू नेता का होना और आप उसके मार्गदर्शन में चलना है, ये साबित करता है आप देश विरोधी नहीं हो। क्या बात है, आपकी संस्था देश विरोधी नहीं है, ये DCP का कॉल है, जबान है उसकी, ये देश विरोधी नहीं हो आप, देश के मोहब्बत में ये देश को जोड़ना चाहते हो। लेकिन आज मुझे अफसोस होता है, हम अपने अपने घरों के प्रॉब्लम्स में, अपने अपने प्रॉब्लम्स में अपनी संस्था को बढ़ा नहीं पाए। मैंने सर से, अफजल सर से कई बार डिस्कस किया कि मेरे पास इतनी बड़ी यूथ सेना है, हम इसका प्रदर्शन क्यों नहीं करते। हमारा एक जल्दी होता है, सर के बर्थडे जन्मदिन के मौके पर हमको एक मतलब होने लगे है ना, मिले, लेकिन चलो ठीक है ये भी मिले, वो भाई वहां से आए, संजन से, भाई अमेरिका से, भाई सूरत से आए, वो भुवनेश्वर से आए है ना, तो ये इनकी मोहब्बत ले आए, क्योंकि मैं तो भाई 4 से 5 बजे से पहले उठता है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुमरा में वो दरगाह की सीढ़ी तोड़ रहे थे बीच में, मैं सो ही रहा था, मैं बोला फोन रख दे, मैं सही में बोल रहा हूँ फोन रख दिया, लेकिन सर का बर्थडे था, सुबह 7 बजे सोया, वाइफ को बोला उठा दे। क्या बात, थैंक यू, बोला जा, क्योंकि एक बड़ा भाई जब पीछे होता है ना तो आदमी गहराई से गहराई समुद्र में कूद जाता है। आज सर मुझे बोलेंगे ना तो भी समुद्र में कूद जाऊंगा, मुझे मालूम है मेरा बड़ा भाई मुझे दिखा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड, न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, सोशल मीडिया हमारे पास है, हम लोगों का साथ आपके साथ है, यूथ है, बड़ा सा बड़ा गुंडा, मैं मजाक के अलावा बोलता हूँ, इंडिया से लेके यूनाइटेड किंगडम तक
अगर बड़ा सा बड़ा गुंडा साला हमारे बीच में आए ना, बीच में से चीर डालेगा, चीर डालेगा। लेकिन एक बार हिम्मत तो करो, हम फाइनेंस से भी कमजोर हो रहे हैं। मजाक नहीं बोल रहा सर, बोल दे रहा हूँ मैं, बोलना नहीं चाहता था, मैं भी बोल दे रहा हूँ। हम फाइनेंस से भी कमजोर हो रहे हैं, हम एकता से भी कमजोर हो रहे हैं। अरे आदमी अपना इमेज बनाता है तभी इमेज बनते है, ऐसा नहीं बनते। आदमी एक पार्टी लेके खड़ा होता है। आप केजरीवाल क्या था? अन्ना हजारे के पीछे खड़ा था, मुख्यमंत्री बन के है ना। हम तो लड़ रहे ग्राउंड लेवल पे, कुर्ला टू मुंबई नहीं, पूरे देश भर में लड़ रहे, झारखंड में लड़ रहे, कन्याकुमारी में लड़ रहे, यानी कि भारत की चोटी से लेके टॉप टू बॉटम बोलते ना, टॉप टू बॉटम लड़ रहे अपन। तो हमको कमी क्या है? गुजरात में हमारा पावर है, आपका साथ है, क्यों नहीं खड़े रहते? क्यों पीछे? आम आदमी अपन लोग क्या? कभी कभी ऐसा लगता है स्पीच दे तो अंधों की बस्ती में आइनों की तिजारत कर रहा हूं, क्या आईना बेच रहा हूं? सर सही नहीं, सही नहीं। आज अपने को शपथ लेनी है, इंशाल्लाह मैं तो कसम खाता हूँ कोई रहे ना रहे, मुझे एकनाथ शिंदे ने और मैं वाहिद मेरी माँ की कसम खा के बोलता हूँ, डेट हो गई है। मुझे राष्ट्रवादी ने क्या बोला, तेरे को क्या माइनॉरिटी का पोस्ट चाहिए, बोल इंडिया ने बोला, हम तेरे को देता है, लेकिन तू हमारे साथ में। मैंने बोला मैं मेरे भाई को कभी नहीं छोड़ सकता, नहीं बराबर। जिस दिन बनाऊंगा नव भारत निर्माण सेना जो हमारी बनी है, उसका झंडा सबसे पहले नदीम अपनी छाती से लगा के उठाएगा, और अगर आप लोग साथ देते हो तो मेरी छाती और छोड़ेगी। सर आप आगे बढ़ो और हमें आपके मार्गदर्शन में लो, क्योंकि हम मैंने चीज जो देखी है सर, अगर आप चाहते हैं ना तो मेरा बहुत